वही कई चीज़ें तो बंदा ख़ुद ही सेल्फ एनालाइज करता है जैसे फ़िटनेस है वो खुद सोचता है कि यार मुझे फ़िट होना है इतनी ट्रेनिंग करनी है अपनी न्यूट्रिशन का इतना ख्याल रखना है फिर बहुत सी चीज़ों के एक्सटर्नल इन्फ्लुस भी होते हैं यू बिन मैरिड एंड यू आर मैरिड टू एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट वन अब आमना की बात करें वो भी शी वज़ लाइक फैंटेस्टिक एक्टर फिटनेस लेवल यू नो रियली टॉप ऑफ अ गेम एंड द सेम गोज फॉर सनम तो इनका ख़्वीन का क्या इन्फ्लुंस आपकी ज़िंदगी में रहा है खातिन का इन्फ्लुंस ये रहा है कि एक तो आ, दोनों ही अगर आमना की बात करें या फिर अब सनम की बात करें कि इंसान बहुत अच्छे दोनों हुँ. दोनों ही बेहतरीन घरों से आ, बेहतरीन उनके माँ बाप की परवरिश खासतौर पे माओ की परवरिश और वो सब रिफ्लेक्ट करता है वो वो दोनों ही सोल्स बहुत अच्छे हुँ. हैं हम एज़ यू नो इंडिविजुअल अगर आमना से एक पॉइंट पे जाके जो भी वो हुआ जो भी सिचुएशन है वो हमारा पर्सनल वो है कि जी ये दो लोगों क्या डिफरेंसेस हो जाते हैं लेकिन इंसान बहुत कमाल वो एंड सेम गोस वो सनम कि वो इंसान बहुत तो मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ मैं ये कहूँगा कि शायद आ, मेरी माँ की तरफ से ये, ये भी मेरे अंदर है कि यू नो मैं उनको आई होप के अच्छी तरह से यू you नो know, रख सकूँ और अच्छी तरह से उनके साथ उनकी जिंदगी में उनका साथी बन सकू तो बस यही है तो मैं आई बीन रियली लकी लकी दैट वे बहुत लकी और सनम का और आपका काफी चीजें ऐसे लगता है जैसे कि बहुत ही इन सिंक मतलब तो यू मेक सच अ गुड कपल बहुत इन सिंक बहुत इन सिंक है बिल्कुल आप बता रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले कि अंग्रेजी जो है वो आप इकट्ठा मतलब है कि उर्दू में से कहता हूं अंग्रेजी वो से, वो से है। <laughs> ये अच्छा है ये बड़ा बड़ा जबरदस्त है ये कि यू नो

पहना है मैं मुझे याद है इसलिए मुझे याद रहता है कि मेरा बैग चोरी हो गया था तो उस शूट।, <laughs> शूट से हाँ वो बड़ी बुरी हाँ। मेमोरी है फिराक मुझे याद है दीदन, वस, uh, दीदन 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 हाँ, दीदन फिराक और इशरत इशरत बचाना चार प्रोजेक्ट हुए और क्या लिया बस यही है yeah. हाँ. तो जो सेलिब्रिटी कपल्स होते हैं जो दोनों एक्टर्स हों तो उनका जो टाइम है वो डिवाइड कैसे अभी तो थोड़ा हम उसमें चले गए हैं यू नो टाइम टाइम नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं।, नहीं। <laughs> दे पाती इंटरव्यू हमारा उस तरफ चला गया मोटिवेशनल हेल्प सेल्फ ज़ोन में <laughs> लेकिन हाउ हाउ डू यू 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 बैलेंस नो अगर अगर एक एक बंदा सेट पे है, शूट पे है 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 शूट घंटे घंटे अगले दूसरा डोंट सी अदर वो बट नीड टू क्या मतलब कि जैसे काम की नेचर क्या है और जितने लोगों के साथ काम हो रहे हैं उनके जो भी क्रू है बाय नेम जानता हूँ पूरी इंडस्ट्री को तो आई नो वो उस तरह के कोई भी क्या अच्छा कहा क्यों कैसे वाली तो मतलब मुझसे इस तरह का मतलब कोई चक्कर ही नहीं है मैं सोचूंगा <coughs> उसको स्पेल वाइज डिजाइन करना ये एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है hmm. कि आप उसको डिजाइन करें कि अगर आप 25 दिन के लिए 20 दिन के लिए यू you नो know, बाहर का कोई स्पेल करने गए और आप नहीं हैं घर पे मौजूद hmm. चले मियाँ तो दूर की बात अगर मियाँ इजी है hmm. सुकून में है भी उनकी सारी चीजें सॉर्टेड हैं भी hmm. तो आपका अपना आप अपनी वो चीज़ वो घर में आना अपने घर को देखना सारी चीजें सेम कॉज फॉर मी ऑल्सो

बहुत स्मार्ट है भाई बिल्कुल और फैशन वर्ल्ड यू इज इट मीन अह थी फेमिनिज्म नहीं नहीं अनअप्रोचेबल uh, वो अप्रोचेबल टू डायरेक्टर्स सिमिलर अच्छा, आप अच्छा। वो इट्स नॉट अ बिग डील पूपा हां पूपा भी क्या वो थोड़ा सा आई थिंक टीवी कल्चर मेरे साथ नहीं हुआ सच्ची mm. में नहीं हुआ mm. मैं तो शुरू से ही ऑडिशन देने सारा गाजमी के रूम में चला पहुंच गया था लकी आई बीन लकी या लेकिन जिन बॉयज के साथ या उन लड़कियों के साथ के जी आज आए कल नहीं आए बाहर बैठे हुए वेटिंग में हैं ये वो वो टाइम नहीं है अब अगर आप हैं और अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप ऑनलाइन अपनी चीजें डालते हैं आप लिंक भेजते हैं वो कोई ना कोई प्रोडक्शन देख ही लेता है तो उतना अब वो मसला नहीं रहा है तो आई थिंक उस टाइम पे मैं डिफरेंटली थोड़ा सा नेटवर्क करता

किस ऐसी कोई बात नहीं वो किसी, किसी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो इस, हाँ, तो ना करें जी इसमें होते हैं ऐसी चीजें हर जगह होती है जिसकी निशानदेही आप कर रही हैं लेकिन जो नेटवर्किंग से मुराद है कि टू जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप अपने फेसबुक पे मार्केट करते हैं जी मैंने Pre -loved, कोई काम शुरू किया हाँ। pre -loved <laughs> आ गया हाँ। हाँ। का, जब कारो कारोबार शुरू हाँ, किया तो 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 उसके मैं, हाँ। हाँ। तो मैं लगाऊंगा हाँ। तो जिस तरह तरह लगा रहे हैं तरह अपने आप को अपना ऑरा लोगों को दिखाते नहीं है जब तक आप फिजिकली एक अप्रोच ये होती है कि मेरे काम से मुझको पहचाने और एक अप्रोच होती है कि जब आप मिलते हैं तो जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है मेरा मकसद वो है कहने का